कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। लेके क्या वो आनंद ले पा रहे हैं जो लेना चाहिए? जग के झूठे नाते देखे देखा ना सच्चा प्यार कहीं, जहां दिल को आकर चैन मिले है वो आली दरबार। सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा, सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा, कोई हुआ ना होगा इस जैसा। जहां सारी दुनिया झुकती है मुझे दरबार में, कोई पिछले जन्म के थे कर्म मुझे बाबा, सेवा देते हैं। कोई और हमें अब क्या देगा इस दर से जो मैंने पाया है, को तरसे जन्नत सारी मेरे सिर पर तो वो साया है।
मात पिता लाडली किशोरी है, इन्हीं को बल राखू निस दिन मन में। मेरी स्वामिनी, मेरी प्यारी, जिन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने लड़ेती सी स्वामिनी हमें दी उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। गुरु कृपा भई तभी हम बरसाना तक पहुंचे हैं, कोई और हमें अब क्या देगा, इससे ऊपर क्या है, कुछ नहीं है। कोई और हमें अब क्या देगा इस दर से जो मैंने पाया है, जिसको तरसे जन्नत सारी मेरे सिर पर तो वो साया है। वो साया क्या है, वो साया कैसा है, मेरी सदा हितकारी बरसाने वाली, मेरी सदा हितकारी बरसाने वाली, जिसको तरसे जन्नत सारी। वो श्री जी, वो स्वामिनी मेरी है, वो किशोरी मेरी है। मैं जहां जाती हूँ वहां वहां उसकी नजर जाती है, और वो वही करती है जो मेरे हित में हो। जिसको ऐसी सरकार मिल जाए तो फिर कहीं और जाने की जरूरत क्या है। इसलिए दोनों हाथ उठा के पूर्ण विश्वास के साथ कहिए, मेरी सदा हितकारी बरसाने वाली, मेरी सदा हितकारी बरसाने वाली, हाँ मेरी करे रखवा, हर पल संग मेरे, आज जगह जगह से संदेश आ रहे हैं हैप्पी फ्रेंडशिप के, इससे अच्छी दोस्त कहां हो। हर पल संग में दूर न रहती, सब जानती पर कुछ ना कहती, हर पल संग मेरे दूर ना रहती, सब जानती पर कुछ ना कहती। अरे मौका तो दीजिए, मेरी स्वामिनी पर भरोसा करके तो देखिए, मेरी लाडली के पास कुछ समय बिता कर तो देखिए, फिर तुम ही मेरी तरह कहोगे, हर पल संग में दूर न रहती, सब जानती पर कुछ ना कहती।
रखवारी बरसाने में जो मेरे करे शामा जो सोई कृपालु सहज अपनाया मैं तो इनकी श्रद्धालु अभी हमारे पास एक भैया आए थे, कुछ जानकारी ले रहे थे कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा कैसा मोड़ आया कि आप इधर आ गए, आप बरसाने की ओर आ गए। मैंने कहा जीव की औकात नहीं है कि वो बरसाने की ओर आ जाए, जीव का स्वभाव ही नहीं है। ये तो मेरी लाडली की अहेतु की कृपा है जो हमें बरसाने की ओर ले गई। मेरी लाडली का स्वभाव है सहज दयालु सहज कृपालु सहज अपनाया मैं तो इन्हीं की श्रद्धालु सहज दयालु सहज कृपालु सहज अपनाया खुमा
जी की मैं हो लूं। तो यही मानिएगा कि श्री जी की कृपा है। अगर समय प्रतिकूल हो उस समय अपने आप को धीरज बंधाते हुए केवल एक ही मंत्र का जाप करना प्यारे। कभी भी मन घबराने लगे, जब समय अनुकूल ना हो दिल घबराने लगे, आपका विश्वास डगमगाने लगे, आपकी अनन्यता पर आंच आने लगे, आपकी निष्ठा पर आंच आने लगे, तुरंत एक कमरे में बंद हो जाना और भुजा उठाकर चीख चीख कर कहना, दोनों हाथ उठाइए, ये सबसे बड़ा महामंत्र है, मेरी बरसाने बरसाने वारी, मेरी बरसाने वारी, ओ मेरी बरसाने वारी, मेरी बरसाने वारी। ये शब्द ना लिखे हैप्पी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अगर विश करना है, अगर दोस्ती ही करनी है, मित्रता करनी है मित्रता की, और हाथ बढ़ाना है तो आज भुजा उठा के चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं दोनों हाथ उठा के कैसे कहना है, मेरी बरसाने वारी, 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 मित्र मेरी बरसाने वारी, ओ मेरी बरसाने वारी, मेरी बरसाने क्या क्या
शिरोमणि राधा जय श्याम सजीवनि राधा जय रास विलासनि राधा नित कुंज निवासनि राधा वृंदावन वारी राधा बरसाने वारी राधा वृंदावन वारी श्री राधा बरसाने वारी श्री राधा गोवर्धन वारी श्री राधा श्री राधा Sri Radha.